दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही नाम लूंगा कि जय सुरकंडा माता। सुरकंडा माता की जय हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जा रहा हूँ सुरकंडा माता देवी के मंदिर, वो भी 20 तारीख को। तो फाइनली दोस्तों, आज है 20 तारीख और आज रात की ट्रेन है मेरी 10:30 बजे की। जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से विनती है मेरी, आई होप कि आप लोग मेरी ये वाली वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही अच्छी होने वाली है स्टार्टिंग से एंड तक। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दिखाओ और बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ताकि वो लोग भी देख पाए। बाकी का जो सीन है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो फाइनली दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वाली वीडियो को आप एंड तक देखो और दिल से देखो, श्रद्धा से देखो, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो पूरा होने वाला है आज। भाई मैं सच में बहुत 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 खुश हूँ कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ इतने दूर, और वो भी कुछ अलग ही फील करके जा रहा हूँ। आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ बातें होती है ना जो पर्सनली होती हैं, वो हम शेयर नहीं करना चाहते और मैं करता भी नहीं हूँ। तो फाइनली भाई देखो, अब करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग, अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बाकी देखो, मैं तो रेडी हो गया हूँ क्योंकि मैं अपने कमरे से आया था और मम्मी यहाँ पर थी, दीदी के यहाँ पे। मेरा लगेज एक बैग ही है, मम्मी के पास बैग है। फाइनली इसी बात को रखते हुए यहाँ से निकलते हैं आप सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को, और मिलते हैं आपको सीधा हमारी जर्नी में। नई अभी हम एंटर कर चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन का टाइम अभी भाई 15 मिनट और बाकी है, 15 मिनट में मैं ट्रेन पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेन की टिकट ऑलरेडी पहले से है, तो भाई पकड़ना तो बनता है यार। मैंने ट्रेन पकड़ ली है और ये रही हमारी ट्रेन जो की जाएगी सीधे देहरादून को। मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी है और फोन चला रही है आराम से, क्योंकि टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये हमारी एक सीट ये है और एक सीट यहाँ पर है। जी गुड मॉर्निंग। तो भाई फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और मैं पहली बार हरिद्वार आ रहा हूँ, पहली बार जिंदगी में। अभी ना बाहर थोड़ा अंधेरा होगा इसलिए कुछ दिखाई नहीं देगा। फाइनली सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, और अभी हम रुके हैं रायवाला। मेरी मम्मी बोली फोटो खींच, अभी खींचता हूँ फोटो, रुक जा। भाई एक चीज बताता हूँ, इस ट्रेन का जो टाइमिंग है ना वो बहुत लेट है, क्योंकि ये बहुत रुक रुक के जा रही है। वैसे यहाँ से कम दिल्ली से देहरादून की डिस्टेंस थी 280 किलोमीटर समथिंग होगी, लेकिन इसने बहुत टाइम लगा दिया। 6 घंटे का रास्ता कम से कम 9 या 10 घंटे में क्रॉस कर रही है ये वाली ट्रेन। तो अगर किसी को जल्दी आना होगा ना भाई एमरजेंसी में, तो वो इसमें बताना, क्योंकि ये बहुत रुक के जा रही है। बंदर को देखो, शरारती बंदर काटने आ रहे हैं। ये देखो अंदर आ रही है। ये देखो कुलदीप का भाई भांग चबा रहा सुबह सुबह, देखो ये। देखो ये है राय वाला जहाँ पर रहते विनीत भाई। विनीत भाई से मेरी बात भी हुई थी परसों, उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना मेरे को। देहरादून मैं कम से कम 9:30 बजे पहुँचूँगा। अपने पहले जैसा कर दूंगा वादा, ये दुनिया दिखावटी थी सच में, हम खा ना सके तेरी झूठी किसने बनाया। फाइनली मैंने यहाँ से बस ले ली है
सुहा कोहली की, जो कि लोकल चलती है यहाँ पे। और तो फाइनली दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा सुहा कोहली के लिए, जो कि सुरकंडा देवी माता के मंदिर के सामने ही है। गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सुहा कोहली। भाई ये मार्केट है यहाँ पे मेन, और यहाँ से यहाँ का नजारा चेक करो भाई, इतनी ज्यादा धुंध लगी है आप बता नहीं सकता। यहाँ पे अभी बहुत ठंड है यार, ऐसा लग रहा है कि बर्फ पड़ने वाली है। फाइनली दोस्तों अब यहाँ से हम जाएंगे धनोल्टी की तरफ, जहाँ पर मंदिर है माता का, वहाँ पर आज वहीं रुकेंगे। भाई आप इस धुंध को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो कितनी ठंड है भाई। ये देखो भाई गाड़ी तक नहीं दिख रही है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, यहाँ से नीचे व्यू होता तो दिखता ही नहीं है अभी। और ये सारे घर हैं देखो, लेकिन दिखने वाले नहीं है भाई ये। भाई घर से सोच रहा था कि वहाँ पे एंजॉय करूँगा, मतलब पूरा व्यू देखूंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ आके पता लग रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। यह है मार्केट सुहा कोहली की, और हम इस तरफ से आए थे, यहाँ से ये रोड जा रहा है तरकासी को। भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मौसम ऐसा हो रखा है कि बता नहीं सकता, मतलब कुछ दिखाने के लायक होगा भी नहीं, वो तब भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि व्यू का जो नज़ारा है पूरा छुप चुका है कोहरे से। क्या खाना है, जाड़ लागो रे। अभी हम आ रखे हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे व्यू पॉइंट की होगी, और ये धुंध बॉयज, और यहाँ से भी देखो पूरा।